लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपनी पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन इन विलेन्स के बेटों ने अपने पिता से कुछ अलग ही काम किया है। आइए जानते हैं उन विलेन के बेटों के बारे में जिन्होंने अपने पिता से अलग काम किया है। जब हम शोले फिल्म देखते हैं तो गब्बर का नाम हमारे जुबान पर आ जाता है। इस फिल्म में गब्बर सिंह तो खलनायकों के खलनायक रहते हैं। उनके डायलॉग और एक्टिंग की बदौलत आज भी वो सबको याद है। इनके बेटे ने फिल्मों में अपना लक आजमाया लेकिन सफलता नहीं मिली। मैकमोहन तो क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन किस्मत इन्हें फिल्मों में लेकर आ गई और फिल्म शोले के रोल ने इन्हें फेमस बना दिया। इनके बेटे विक्रांत मैकीजन भी फिल्मों में काम करते हैं। जबरदस्त खलनायकों में डैनी का नाम भी शामिल है। इन्होंने अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, घातक जैसी फिल्मों में बहुत नाम कमाया है। इनके बेटे रिंजिंग डिनजोंगबा हैं जो अपने बॉलीवुड डेब्यू करने का संघर्ष कर रहे हैं। कबीर बेदी विलेन होने के साथ बहुत हैंडसम भी हैं। ये खून भरी मांग में काफी लोकप्रिय हुए। ये बहुत सारे फिल्मों में विलेन के किरदार में दिख चुके हैं। इनके बेटे अदम बेदी एक इंटरनेशनल मॉडल हैं। गुलशन ग्रोव को लोग बैडमैन नाम से भी जानते हैं। बॉलीवुड में इन्होंने खलनायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जहां बेटे अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं लेकिन इन्होंने बिजनेस करने का सोचा और आज यह एक सफल बिजनेसमैन है। दलीप ताहिल ने बाजीगर, राजा, इश्क, कई फिल्मों में दमदार एक्टिंग की है और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। इनके बेटे ध्रुव ताहिल लंदन में मॉडलिंग करते हैं। रंजीत, इनका असली नाम गोपाल बेदी है, यह फिल्मों में खलनायक के तौर पर नजर आए हैं। इनके चिरंजीव फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर हैं।